हेलो गाइस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज जो आपका यूपीटेट का पेपर हुआ है, यूपीटेट 8 जनवरी 2020 वाला, तो उसके आंसर के लेके आ चुके हैं बहुत ही शुद्ध और सटीक आंसर की। तो चलिए जल्दी से मैच कर लीजिए और फिर कमेंट करके बताना कितने जो है आपके नंबर बन रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो CDP के आंसर की करेंगे, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। इससे पहले मैं आपको बाकी अदर सब्जेक्ट के आंसर की दे चुका हूं, तो वो आप लोग जिन लोगों ने नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, यूपीटेट 2020 आंसर की नाम से जो है आपकी लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपको सारी आंसर कीज मिल जाएंगी अदर सब्जेक्ट की। तो जल्दी से जाके वहां पे देख लीजिए। और जो लोग भी नए हैं भाई, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद हम जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं और DSSB KVS सभी चीजों की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप जो है जुड़े रहें साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए, तो आज का जो पहला प्रश्न था आपका, ये आपका सेट ए है, तो उसके हिसाब से आप मैच कर लेंगे, बाकी अपने क्वेश्चन मैच करके उसमें करते रहेंगे। स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे जो आपके दिए गए हैं एनिमल इंटेलिजेंस, तो यहाँ पे और पुनर्बलन की अनुसूची, गर्भिता का नियम और अनुकूलन, तो इसमें आपको मैच करना था। तो यहां पे जो भाई आंसर आपका राइट हो रहा है तीसरा ऑप्शन, यानी कि ए जो है एनिमल इंटेलिजेंस वो जाएगा आपका थोंडाइक पे, और आपका पुनर्बलन की अनुसूची जो है वो जाएगा आपका स्किनर पे, सार गर्भिता का जो नियम है वो है आपका गेस्टाल्ट का, और अनुकूलन जो है वो है आपका प्याजे का। तो यहां पर आंसर जो राइट हो जाएगा तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया था, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो भाई ये आपका निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, सेकंड थर्ड ऑप्शन आपका राइट होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बन गई है, शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। तो आंसर यहां पर राइट होगा आपका दूसरा ऑप्शन, 86वें संशोधन में। अगला प्रश्न आपका है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो यहां पे जो आंसर आपका राइट होता है सेकेंड ऑप्शन, मैकडूगल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका, विकास की किस अवस्था को कॉल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो भाई उन्होंने कहा है बाल्यावस्था को। तो आंसर आपका पहला ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया। तो यहाँ पे आंसर जो राइट हो जाएगा तीसरा ऑप्शन होगा आपका, गार्डनर ने दिया है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, क्या करने में। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़ने में, वर्तनी में। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। तो इसमें निगेटिव वाला आपसे पूछा गया था, तो पहला ऑप्शन राइट होगा, शिक्षक को निशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये आपका गलत ऑप्शन है यहाँ पर। अगला प्रश्न, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए यहाँ पे जो है आपको प्रश्न पूछा है, तो यहाँ पे आंसर राइट होगा आपका पहला ऑप्शन, प्रेरित करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, तो भाई शारीरिक विकास से संबंधित है, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर, निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो भाई यहाँ पे आंसर राइट होगा आपका, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो यहाँ पे आंसर तीसरा ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत का अंग नहीं है। तो यहां पे आंसर सेकंड ऑप्शन राइट होगा आपका, आंत प्रज्ञावस्था, ये इनके अंदर जो है नहीं आती। अगला प्रश्न है आपका, आगे प्रश्न दिया है आपका, मॉरिशन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं। तो यहाँ पे आपको सही क्रम इनका बताना था, प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन, आत्मीकरण और वाचन। तो सही क्रम जो इनका होगा वो होगा आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट होगा। तो इसमें जो है पहले आता है आपका खोज, उसके बाद में आता है आपका प्रस्तुतिकरण, उसके बाद में आत्मीकरण, और उसके बाद में आपका आता है संगठन, और लास्ट में आता है अभिव्यक्तिकरण या वाचन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न था आपका, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र में से संबंधित नहीं है। तो भाई अनुमूल्यन जो है वो आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। तो आपका लंबवत नहीं होता है आपका, ये मैंने आपको बहुत ही मतलब सारी चीजें जो है वो सब पढ़ी लिखी, मतलब जो हम पढ़ चुके हैं, हमारी क्लासेस हो चुकी है, वही आए थे। तो बहुत अच्छा पेपर आया था, सिर्फ EVS थोड़ी सी हार्ड आई है इस बार। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना होगा। यहाँ पे आंसर फोर्थ राइट होगा, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। अगला प्रश्न था आपका यहाँ पर, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः किससे संबंधित है। तो भाई छात्र के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती है, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था आपका, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। तो B.S. ब्लूम ने नहीं किया है, बाकी स्किनर का भी है, कॉलर का भी है, थोंडाइक का भी, इन सभी के हैं, ब्लूम का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न आपका शिक्षा में अवरोधन से तात्पर्य है, तो यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ होगा किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, तो फोर्थ ऑप्शन तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, तो यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन प्रस्तावना कौशल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका मानव विकास का प्रारंभ होता है, तो भाई गर्भावस्था से हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी, कोई बहुत सीबीडीपी बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो हम पढ़ चुके हैं सारी चीजें। चलिए अगला प्रश्न है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो भाई आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आंसर राइट होगा आपका फोर्थ ऑप्शन आर एम गेने है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसने कहा है, तो यह कथन कहा है आपका स्टैनले हॉल ने, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है, तो भाई 30 मिनट लगते हैं, तो आंसर यहाँ पर 36 मिनट लगते हैं, तो आंसर जो राइट होगा आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य विलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो आपका है यह आपका गैट सममन्य का, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है, तो यह कहा है भाई आपका गिलफर्ड ने, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया है कि अनुसूची आपको मिलान करनी थी, यहाँ पर ब्रूनर ऑसुबेल ग्लेजर और गार्डनर के जो है यहाँ पर प्रतिमान और शिक्षण दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको जो आंसर यहाँ पे मैच करके बताना था, तो यहाँ पे जो आंसर आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, तो यहाँ पे आप मैच करके देख सकते हैं फोर्थ थर्ड फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो था आपका वो था आपका समस्या समाधान का प्रथम चरण है, तो समस्या समाधान का पहला जो चरण होता है वो आपका यही होता है कि आप जो है समस्या की पहचान करें, तो यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया है कि आपको बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब कब, तो भाई यहाँ पे जो आंसर आपका पहला ही ऑप्शन राइट होगा बालकों का संज्ञानात्मक भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और ये है आपका इस सब्जेक्ट का लास्ट प्रश्न, तो प्रश्न आपका स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है, तो आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका सेकंड सामान्यीकरण। चलिए तो भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और कमेंट करके बताओ कितने नंबर आपके बने हैं और कितने आपने सही किए हैं, और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत ही जल्द हम डीएसएसबी की और आपकी यूपी सुपर टेट की यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लेना, उससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके बाय बाय, टेक केयर।